नमस्कार। सो फिर से खासकर उन बच्चों के लिए जिनको अपने स्टेट में रहना है, तो राजस्थान के सारे प्राइवेट कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, क्योंकि राजस्थान में 9 ही कॉलेज है तो मैं सबकी रैंकिंग बता दूंगा मेरे हिसाब से। यूपी में चूँकि बहुत लंबी लिस्ट थी तो मैंने आपको टॉप 10 बता दी है। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में यू शुड बी रेडी कि हम आपस में एक दूसरी जगह जा पाएँ, तो वी शुड ऑलवेज हैव टॉप 20-30। जितने मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमें उनके बैठ के मैं लिस्ट बनाता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक मेडिकल कॉलेजेस जहाँ हम पहुँच सकते हैं, पहुँचना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर क्वालिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेट में है। फिर भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, बताऊँ राजस्थान बाय डिफॉल्ट नंबर 1, MGM मुंबई, MGM जयपुर, नो डाउट, नो क्वेश्चंस। नंबर 2 फॉर मी, देखिए फीस ना देखें तो गीतांजलि। अब लोग कहते हैं सर पर कट ऑफ में तो फलाना ऊपर रहते हैं। मैं हमेशा कहना कि लोगों के बड़े डिफरेंट कंसिडरेशंस होते हैं। दिल्ली के काफ़ी लोग होते हैं जिनको लगता है निम्स तकरीबन दिल्ली में ही है, जो 2 घंटे पहुँच जाते हैं गुड़गावा से, और सबको अपना रहता है बच्चा मेरा पास ही रहे, बच्चा छोटा है, तो समटाइम यू माइट सी निम्स कट ऑफ मोर देन। लेकिन मैं बात करता हूँ शेयर क्वालिटी की, तो चाहे वो राजस्थान के बच्चे हों चाहे राजस्थान से बाहर के हों, गीतांजलि विल कम एट नंबर 2 इन माई हम्बल ओपिनियन। नंबर 3 इन माई ओपिनियन वुड बी अमेरिकन इंस्टीट्यूट उदयपुर, नंबर गीतांजलि भी उदयपुर में है। नंबर 4 वुड बी अनंता उदयपुर, ठीक है। सो पहला MGM जयपुर, गीतांजलि नंबर 2, नंबर 3 अमेरिकन, नंबर 4 अनंता। नंबर 5 वेरी फ्रेंकली वुड बी ए कॉम्पिटिशन बिटवीन JNU एंड PMCH, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आप जानते पैसिफिक के नाम से 2 इंस्टीट्यूट्स हैं उदयपुर में, एक PIMS है जो उमरदा में है और दूसरा ये PMCH है, भेलों का भेल क्या बोलते हैं। तो बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है दोनों में, तो आई विल कीप इट एट 5 और 6। और फिर आप देख सकते हैं उदयपुर पढ़ना है कि जयपुर पढ़ना है। सो JNU जयपुर और PMCH उदयपुर में से एक नंबर 5 पे, एक नंबर 6 पे, ऐसा लेके ख़त्म करो। नंबर 7 पे एक्चुअली आई विल पुट SS तांतिया गंगानगर, नंबर 7 पे। और नंबर 8 और 9 बचते हैं निम्स एंड PIMS उमरदा। नंबर 8 वुड बी NIMS, नंबर 9 वुड बी PIMS उमरदा। तो ये मैं रैंक करूँगा अगर मुझे राजस्थान के 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रैंक करने हैं। इसमें डेफिनेटली जो पहले 4 कॉलेज हैं MGM, गीतांजलि, अमेरिकन, अनंता, दे आर वर्थ गोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अब राजस्थान के हैं बाहर के हैं। नंबर 5 से राजस्थान में कंप्रोमाइज़ स्टार्ट हो गया है जब हमने बात की PMCH एंड JNU की, और फिर जैसे कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज वाले एवरेज अबव एवरेज कॉलेज की लीग में आ गए। पहले 4 को हम डेफिनेटली गुड टू वेरी गुड टू ग्रेट में मान सकते हैं। MGM जयपुर तो ग्रेट की कैटेगरी में आता है, राइट। सो जिस इस तरीके से आप कर सकते हैं राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मेरा ये मानना है कि चाहे आप राजस्थानी भी हों, क्योंकि कोई सस्ता तो है नहीं है, जो राजस्थान की फ़ीस है वो भी MGM के अलावा 20 लाख रुपये साल है, निम्स में 18 है, और इसी फीस में आपको बाहर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आप अपने होम स्टेट पे या घर के बाहर रहने का लालच ना करें। वही हमेशा हमारा स्टाइल होता है कि वी आई ऑलवेज एनकरेज पीपल कि बिल्कुल अगर आपको अपने होम स्टेट में MGM जयपुर मिल रहा है, आप जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं या यूपी के रहने वाले हैं, SRM बरेली मिल रहा है तो वहीं रहिए भाई, कौन मना कर रहा है। या मध्य प्रदेश के रहने वाले और आपको इंदौर का अरबिंदो या उज्जैन का RD मिल रहा है, भोपाल का चिरायू मिल रहा है। बट इसके अलावा बी ओपन टू ट्रैवल एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल एजुकेशन रदर दैन लुकिंग एट समथिंग विच इज़ क्लोज टू योर होम, ओके। सो इसी तरह की सटीक काउंसलिंग आपको चाहिए, आपके मतलब कि आपको काउंसलिंग चाहिए जो आप पे फिट होती है, आपके पुराने दोस्त या मामा चाचा के लड़के पे नहीं। बिकॉज एवरी फैमिली इज़ डिफरेंट, एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। किसी के लिए फीस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए बच्चे को पास रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए ओनली क्वालिटी मैटर्स। हर फैमिली डिफरेंट होती है, तो दोस्तों और सबसे बड़ी बात है नॉट एवरीबडी इज़ अनबायस्ड। मैंने कहा ना कुछ लोग सलाह देते हैं, तो जब मैं नॉर्थ इंडिया या मैं नॉर्थ इंडिया से कहता हूँ कि आप साउथ में तमिलनाडु केरला मत जाइए, तो मुझे कोई उस स्टेट से नफरत नहीं है जी। तमिलनाडु के बच्चों को मैं तमिलनाडु भेजता हूँ, केरल के बच्चों को केरला भेजता हूँ। या कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो कहता है जी मैं तो मुझे तमिल या मलयालम बहुत अच्छे से आती है और मैं उनका खाना ही बहुत रिलिश करता हूँ, तो ज़रूर जाइए, देन द एंटायर इंडिया बिकम्स वन। बट अगर ऐसा नहीं है, चूँकि हमने दुनिया देखी है, हमने रूम में बैठ के काउंसलिंग नहीं करी या सीखी या करते हैं हम, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया थॉरोली। ऐसा नहीं कि ट्रेन जा रही है,
मतलब अनि वेरी फ्रेंकली मैंने शायद मणिपुर बस टच नहीं किया लाइफ में, मिजोरम टच नहीं करा, नागालैंड टच नहीं करा, अरुणाचल टच नहीं करा, चार स्टेट, और एक्चुअली केरल भी टच नहीं करा, लेट मी बी ऑनेस्ट। और इसके अलावा 100 के ऊपर जो भी टॉप 100 सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं जिसमें मोस्ट ऑफ़ दी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन हर शहर में मैं 5 दिन के ऊपर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि चेन्नई में जाकर टैक्सी वाले से भी बात करना कितना मुश्किल है अगर आपको तमिल नहीं आती, तो चेन्नई के 100 किलोमीटर बाहर तो क्या होता होगा। या आज भी हैदराबाद जाकर आपको टेस्टी नॉर्थ इंडियन फूड खाना है तो उसके लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अपने मतलब का खाना है, कम मसाले का, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर चेन्नई के 100 किलोमीटर बाहर या बेंगलोर के 150 किलोमीटर बाहर क्या होगा। आई कैन विजुअलाइज, आई कैन इमेजिन, बिकॉज आई हैव पर्सनली फेस्ड ऑल दोज थिंग्स। आपको मैंने महाराष्ट्र टूर का वीडियो दिखाया था कि मुंबई गोवा से पुणे से बाहर निकलते ही टिपिकल नॉर्थ इंडियन खाना विद अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन टेस्ट आराम से अवेलेबल नहीं था कोल्हापुर में, उसमें काम चलाओ फिर भी था लेकिन मज़ेदार नहीं था। तो वो सब बारीकियाँ हैं, 4.5-5 साल काटना आसान नहीं होता है अनलेस एंटिल वी आर गेटिंग अ ग्रेट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। यही सब बताना हमारा फ़र्ज है, इसी के थ्रू हम इसी चीज़ की हम अपनी काउंसलिंग फीस लेते हैं। 9643362320। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, वी डू नॉट टॉक टू एनीबॉडी फॉर फ्री। 2500 रुपये सिर्फ फ़ोन काउंसलिंग के, 5000 रुपये अगर फेस टू फेस या वीडियो काउंसलिंग के, और फिर जो भी आप हमारा पैकेज लेते हैं जिस पैकेज में फ़िट होते हैं। मेरे को ये कहना चाहिए क्योंकि हमारा 30,000, 50,000, 75,000 और 1.5 लाख का होता है, बहुत सिंपल है। 30,000 फॉर ओनली गवर्नमेंट, या भाई जो प्राइवेट में कहता है कि मुझे अपने स्टेट में रहना सर, आपकी सारी बातें ठीक है लेकिन मुझे नहीं जाना। 50,000 रुपये जो उनके लिए जो बस वही है कि अगर नॉर्थ की बात करें तो ठीक है जी, नॉर्थ के 3-4 में रहना है, साउथ की बात करें तो साउथ के 3-4, 2-3 में रहना है, 4 में रहना है। 75,000 हम उनसे लेते हैं जो नॉर्थ में रहते हैं, बल्कि केरला कर्नाटका के लिए भी ओपन है फ्यूचर में, तेलंगाना के लिए ओपन है फॉर हैदराबाद, और 1.5 लाख हम उनसे लेते हैं जो NRI सीट, मैनेजमेंट सीट, सस्ती फीस, कल को बंगाल कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए ओपन माइंडेड रहते हैं। ये हमारे मोटा मोटी 4 पैकेज हैं, इनका वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।